आपने मेरी एक विद्यार्थी ने शिष्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है बेंगलोर से। वो कहते हैं कि आचार्य जी आप ये बताइए कि ज्योतिष के माध्यम से क्या हम ये कैसे जांच सकते हैं, जैसे किसी ने प्रेत बाधा भूत प्रेत आदि, या किसी ने कुछ कराया है या किसी ने कुछ किया है, इसका कैसे भान हो कि इसके बारे में कैसे पता चले। तो मैं इसके माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो किया कराया होता है वो उन लोगों को ज़्यादा असर करता है जब हमारे ग्रह नीच भाव में चल रहे हैं। कुछ जो मेन कुछ ग्रह हैं, कुछ ऐसे कारक ग्रह हैं जो कि नीच स्थान पे चल रही हो और उसकी जो डिग्री है उसकी नीच डिग्री पे चल रहे हो, तो उस समय जो है किया कराया का होता है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि जब व्यक्ति बीमार होता है, उसका इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उसको रोग घेरने शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी कुंडली में जब जो मेन ग्रह हैं, जो कारक ग्रह हैं, वह जब नीच भाव के होते हैं, तो उस समय ये किया कराया या किसी का प्रेत बाधा या भूत प्रेत बाधा ये तुरंत असर करती है, प्रभाव करती है। और ये कब प्रभाव करती है, ये आपके जब चौथे स्थान पर, जो आपका कर्म का स्थान है, चौथे स्थान पर या आपके आठवें स्थान पर इसका जब प्रभाव हो, जब राहु का प्रभाव आठवें स्थान पर हो जाए, चौथे स्थान पर उसका प्रभाव हो, तो उस समय जो ये किया कराया है वो तुरंत प्रभावी होता है। या केतु की, राहु केतु, क्योंकि राहु केतु आप जानते हैं, क्योंकि ये ऐसे देवता हैं कि जिनको विष पान, जिनको जो है अमृत पान नहीं हो रहा था, और इन्होंने जब मंथन हुआ, मंथन के समय जब अमृत कुंड निकला, अमृत कलश निकला, तो इन्होंने उस भीड़ में बैठकर अमृत पान कर लिया था। तो ये कई बार छल वाले ग्रह होते हैं, दूसरे शब्दों में कहना चाहिए तो ये आपको कई बार छल देते हैं। लेकिन आपको मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं कि जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले ग्रह हैं, क्योंकि भगवान शिव की कृपा इन पर रहती है, आशुतोष की कृपा है, आशुतोष की कृपा सुरों पर भी और असुरों पर भी, दोनों पर रहती है। तो इनमें जो राहु और केतु हैं बहुत अधिक, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले ग्रह हैं, और शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले ग्रह हैं, इनसे भयभीत आदि जनता रहती है। तो मेरा ये अनुरोध है कि वह भयभीत ना हो और बहुत अत्यंत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले ग्रह हैं जब ऐसी स्थिति आए। तो ऐसी स्थिति में देखिए, समस्याएं जो है उसका निराकरण भी ज्योतिष में है, और चौथा जो स्थान है या आठवां स्थान है, जो कर्म का है या आयु का स्थान है, उस स्थानों पर जब क्रूर ग्रहों की कुपित दृष्टि होती है, तो उस समय इसका जो उपाय है, इसका उपाय भी ज्योतिष के सिद्धांतों में, ज्योतिष की पुस्तकों में उपलब्ध है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप जन्म पत्री या जन्म कुंडली अपनी दिखाएं, तो उस समय विशेषतया ध्यान रखें आपका चौथा घर और आपका आठवां घर। आज के लिए इतना ही। ओम स्वस्ति।